अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मेरे पास नांदेड़ की मशहूर गोश्त की टिकिया के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए हमारे बावर्ची सीरीज़ में सीखते हैं नांदेड़ की मशहूर टिकिया उन्हीं एक्सपर्ट से जो कि ये टिकिया बनाकर बेचते हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने इस वीडियो के लिए वक्त दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। टिकिया को बनाने के लिए हम 2 किलो गोश्त ले रहे हैं। ये रान का गोश्त लीजिए स्पेशली, और हमने 200 ग्राम चर्बी लेनी है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ, लेकिन ये टिकिया वही शेफ बनाएंगे। तो देखिए जो चर्बी होती है थोड़ी सी मोटी वाली चर्बी होनी चाहिए जो कि पीसी जा सके। 25 ग्राम पुदीना है, 100 ग्राम हरा धनिया मीन्स कोथमीर है, और हमने लेना है देखिए बेसन यानी पीसी हुई चना दाल 1 किलो। ठीक है, 1 किलो हमने पीसी हुई चना दाल ली, और 1 कप हमने अदरक लहसुन पेस्ट लेना है, और रसबेरी रेड कलर हम लेंगे, और देखिए यहाँ पर हमने आधा कप कसूरी मेथी ली है, और नमक टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। यहाँ 4 टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों के डंठल निकाल लीजिए। और देखिए ये टिकिया मसाला बनाना है हमको यानी गरम मसाले पीसना है, तो इसमें हमने आधा कप दालचीनी लेनी है यानी खलमी लेनी है, और 1 टेबल स्पून लौंग है, और 1.5 टेबल स्पून शाजीरा है, और ये अजीनोमोटो है। अजीनोमोटो इसमें से हमने 10 ग्राम लेना है। ये लेना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये है 1 टेबल स्पून कबाब चीनी। कबाब चीनी देखिए ये लौंग की तरह है, बहुत तरह होती है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये लौंग की तरह होती है, लेकिन बस इसका जो निचला हिस्सा होता है वो नोकदार होता है। और 1 टेबल स्पून हमने हरी इलायची लेनी है, और 1 टेबल स्पून काली मिर्ची लेनी है। इन सभी को मिलाकर पीस लीजिए, लेकिन साथ में अजीनोमोटो को ना पीसिए। ठीक है, अब देखिए सिर्फ हमको दालवा पाउडर, गरम मसाले और अजीनोमोटो कलर को छोड़कर सारी चीज़ें मिला लेनी है और मिलाकर पीस लेना है। ठीक है, दालवा पाउडर, गरम मसाले, अजीनोमोटो और कलर, इनको हमने नहीं पीसना है इनके साथ। तो देखिए ये जो शेफ़ हैं, प्रोफेशनल हैं, ये जो है इनको ये बड़ी मशीन में पीस रहे हैं, तो ये बड़ी मशीन में पीसने से पहले इसने इन्होंने जाली लगाई, और उसके बाद इसमें ये पीस लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनली जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में यानी बनाया जाता है ये, तो इन्हें बड़ी बड़ी मशीनें लगती है। हम चाहें तो घर पर मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बहुत ही आसानी से पीसा जा सकता है। देखिए हमारी बावर्ची सीरीज़ में हम एक्सपर्ट बावर्चियों को लाकर आपको ख़ास रेसिपीज सिखाते हैं, तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ज़रूर बेझिझक पूछ सकते हैं। तो देखिए ये सारा मिक्सचर इस तरह से पीसा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं। इसमें जो फैट डाला जाता है उसकी वजह से ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। तो अब इसमें टमाटर भी डाले जा रहे हैं, टमाटर भी इसी के साथ पीस लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये सारा मिक्सचर पीस कर अब तैयार है। तो ये इस मिक्सचर में अब हम मिलाएंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो 10 ग्राम अजीनोमोटो मिला लीजिए, और
अगर बच्चे खा रहे हैं तो अजीनोमोटो ना मिलाइए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद टिकिया मसाला यानी गरम मसाला जो हमने पीसा था उसमें से 4 टेबलस्पून इसमें डाल दीजिए और फिर नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे रसबेरी रेड कलर, और ये रसबेरी रेड कलर मिला डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यानी जो चीज़ें हमने पहले पीसते वक्त छोड़ी थी वो सारी चीज़ें हमने इसमें मिला लेनी है और इसे अच्छी तरह से गूंदना है। और साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 1 किलो चने की दाल का आटा यानी पिसी हुई चना दाल या बेसन हम इसमें मिला लेंगे। इसमें बेसन मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद एक बड़े से तवे पर तेल गरम कीजिए। और फिर तेल गरम करने के बाद इसकी छोटी छोटी टिकियां बनाना शुरू कीजिए। गोश्त के मिक्सचर की हमने छोटी छोटी टिकियां बनाना शुरू करना है। तो देखिए ये जो शेफ हैं ये छोटी छोटी टिकियां बना रहे हैं और इसे फ्राई कर रहे हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत ही फास्ट ये टिकियां बना रहे हैं और इसे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये इनका रोज़ का काम है। बहुत आसानी से ये बना रहे हैं और इसे फ्राई भी कर रहे हैं। और फ्राई करते हुए याद रखिए कि कोई चपटी सी चाकू लीजिए या फिर उल्थानी लीजिए जिससे कि इसे पलटने में आसानी हो। ये काफ़ी छोटी होती है और बहुत ही आसानी से दोनों तरफ से ये तली जाती है। तलने के बाद इसे तवे के एक साइड हटा कर रखिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये ऊपर से कुरकुरी होती हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी छोटी सी टिकिया होती हैं। देखिए इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इन टिकिया को इस ईद पर ज़रूर बनाइए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है आप ज़रूर ज़रूर बताएं। तो देखिए सारी टिकिया इसी तरह से तल कर निकाल ली गई और हमने ये 2 किलो में काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। आप चाहें तो पहले शुरू में आप 1.5 किलो गोश्त या 1/2 किलो गोश्त में भी इसे बना सकते हैं। देखिए अब ये टिकिया हमने तलकर यानी इन बावर्ची ने तलकर निकाल ली है और निकालने के बाद देखिए कितनी प्यारी सी और बहुत ही मज़ेदार सी टिकिया है। बहुत ही छोटी सी, देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। इसे आप सलाद के साथ सर्व कीजिए और नींबू प्याज ककड़ी और पत्ता गोभी के साथ सर्व करें। और ऊपर से यानी खाते वक्त ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और साथ में प्याज या फिर सलाद के साथ इसे खाइए। बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।